हेलो दोस्तों, शून्य स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अरावली की जो निम्न पहाड़ियाँ स्थित है, जैसे उदयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, अजमेर में कौन कौन सी और राजसमंद में कौन कौन सी, जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, अरावली में निम्न पहाड़ियाँ स्थित है। अब कौन कौन सी किस जगह स्थित है, तो उदयपुर की ट्रिक है दोस्तों। उदयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है जो इम्पोर्टेंट है, तो उदयपुर में कौन कौन सी, उदयपुर की ट्रिक है उदय जरा गोभी को गिरा। इसको अगर हम 10 से 12 बार लगातार रिपीट करेंगे दोस्तों, और फिर आंख बंद करके रिवाइज करेंगे, तो हम इसको ऐसा का ऐसा दिमाग में छप जाएगा, जिससे हम जब भी कोई नाम आएगा तो उससे हम तुरंत पकड़ लेंगे कि ये उदयपुर में है। तो दोस्तों, उदयपुर की ट्रिक है उदय जरा गोभी को गिरा। उदय से तो याद हो गया उदयपुर, उदय से याद हो गया उदयपुर, जरा जैसे हो गया जरगा, जैसे हो गया जरगा, रा से हो गया रागा, रा से रागा हो गया, गो से हो गया गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो बेचड़ नदी के किनारे है गोगुंदा, और बी से हो गया गो से गोगुंदा की पहाड़ियाँ, बी से हो गया बिग्घा मेड़ा की पहाड़ियाँ, ये सोम नदी के किनारे हैं, और गिरा से हो, को मत लेना दोस्तों, बस गिरा को ले लेना, गिरा से हो जाएगा गिरवा, तस्तरी नदी के किनारे। गिरवा कहाँ पे स्थित है, तस्तरी नदी के किनारे। तो गिरवा कई बार पूछ लेता है कि गिरवा या गोगुंदा कहाँ स्थित है, तो गोगुंदा कहाँ स्थित है, बेचड़ नदी के किनारे उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, अब है राजसंबंध में। दोस्तों, राजसंबंध के लिए है कुंभराज भीख दे। तो भीख दे कौन देगा, कुंभ कौन देगा, राज, तो राज से याद रखेंगे हम राजसंबंध, राज से याद रखेंगे राजसंबंध। कुंभ से कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसंबंध में, कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसंबंध में दोस्तों। और राज से हो गया राजसंबंध, बी से हो गया बिजराल की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी राजसंबंध में पड़ती है, ख से हो गया दोस्तों खमन्नौर की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पड़ती है, ये भी राजसंबंध में पड़ती है, दे भीख दे, दे से हो गया दिवेर, ये कोठारी नदी के किनारे पे स्थित है, कोठारी नदी के किनारे पे स्थित है दिवेर की पहाड़ियाँ। अजमेर में कौन कौन सी पड़ती है दोस्तों, अजमेर में कोई आदमी है तो वो लंबा है तो बोलता है नाटा भी अजमेर, बोने आदमी को बोलते हैं तो उसको बोलते हैं नाटा भी अजमेर, तो भैया क्यों नहीं जा सकता अजमेर, नाटा के क्या बंद है, नाटा नहीं जा सकता, तो नाटा भी अजमेर, तो ना से याद करोगे नाग, ये लूनी नदी के किनारे पे स्थित है, तो नाग पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अजमेर में लूनी नदी के किनारे पे। नाटा से हो गया दोस्तों टाटगढ़, बी से हो गया बीठल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अजमेर में हो गया अजमेर। तो दोस्तों मेरवाड़ा पड़ती है, जो मारवाड़ व मेवाड़ को अलग करती है, जो मेर से क्या हो गया अजमेर, और मेर जो लास्ट में है उसका क्या हो जाएगा, मेर का हो जाएगा लास्ट में, मेर से मेरवाड़ा, जिसको याद रखना है, ये मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करती है, कौन सी, मेरवाड़ा जो पहाड़ियाँ हैं वो मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करती है, ये भी दोस्तों अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है सिक्कर,
सिक्कर में है दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक है, हर्षपाल माल तो खंड हो गया। क्या हो गया? हर्षपाल को बोल रहे हैं कि जो माल है वो तो क्या हो गया, खंड हो गया, टूट गया। तो हर्षपाल माल तो खंड हो गया, तो हर्ष से हो जाएगा, हर्ष की पहाड़ियाँ जो है वो भी सिक्कर में स्थित है। पाल से हो जाएगा पाल खेत की पहाड़ियाँ, ये भी सिक्कर में है, पाल खेत की पहाड़ियाँ। माल से हो जाएगा माल खेत की पहाड़ियाँ, ये भी सिक्कर में है। तो से हो जाएगा तोरावाटी, ये भी सिक्कर में है, सॉरी। और खंड से हो गया खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी कहाँ हैं, वो भी सिक्कर में है, खंडेला की पहाड़ियाँ। तो सिक्कर की हो जाएगी कौन सी, हर्षपाल माल तो खंड हो गया। तो मतलब हर्ष से हर्ष और पाल से पाल खेत, माल से माल खेत, तो से तोरावाटी और खंड से खंडेला की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों अब नेक्स्ट अपना है जो दर्रे हैं राजस्थान में जितने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों हम लोग रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, राजस्थान के जो वनपाल, वन रक्षक, हाईकोर्ट की एग्ज़ाम की दृष्टि से जो जीके के टॉपिक है उन सभी को बेसिक से ट्रिक के माध्यम से, जितनी ट्रिकें हैं उनको पहले हम ट्रिक बताएंगे, फिर बेसिक बताएंगे, फिर फुल वीडियो लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंट जितनी भी है। तो पहले फिर साइंस की, फिर राजस्थान जीके की, फिर इंडिया जीके की, पहले ट्रिक और फिर बाद में फुल वीडियो लेकर आप तक पहुंचेंगे। तो अभी तो एक दिन में राजस्थान जीके की ट्रिक चलेगी, पहले राजस्थान जीके की ख़त्म करेंगे, फिर साइंस की, फिर इंडिया जीके की और फुल वीडियो फिर बाद में लेकर आएंगे। तो दोस्तों घर रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचाव रखें, मास्क लगाएं और भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाएं, और अगर काम पड़े जाएं भी तो मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी ज़रूर रखें। तो दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।